हम अच्छे होने के बाद भी लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमारा साथ नहीं देते। वो हमारा साथ देता है जो उसको पता होता है हमारे अंदर कमियां है, फिर भी वो हमारा साथ देता है क्योंकि वो एक हमारे लिए सही इंसान होता है। और कभी भी उसके साथ या उसका ही साथ दो जो अच्छा हो, और कभी भी हद से ज़्यादा अच्छा होना भी बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि जब आप हद से ज़्यादा अच्छे हो जाते हो, सबसे अच्छे रहने लगते हो, सबसे अच्छे बातें करने लगते हो, सबकी मदद करते हो, पर आपको बाद में दुख भी उससे या उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि जब कोई भी इंसान को आप मदद करते हो या उसका अच्छा ही सोचते हो, उसके अच्छे ही बोलते हो, ये आपके अच्छे गुण और आप अच्छे होते हो, पर वही इंसान आपका बाद में साथ नहीं देता तो आपका उतना या उससे ज़्यादा बुरा लगता है कि मैंने इसकी इतनी मदद की, इतना कुछ कहा, इतना कुछ किया, पर उसने मेरे लिए मेरा साथ ही नहीं दिया, मेरे लिए रुका ही नहीं। इसलिए हद से ज़्यादा भी अच्छे मत हो, उतना ही जितना होना चाहिए। कभी भी एरे गेरों के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, ऐसे सोच के कि यह मेरा मित्र है, ये मेरा प्रिय मित्र है, ये मुझे कुछ धोखा नहीं दे सकता, या मैं इसको इससे मैंने पैसे लिए हैं उधार, तो ये मेरे को कुछ वक्त दे देगा वापस करने के लिए, ऐसे आप सोचते हो, या ऐसे ही सोचते हो वे पैसे दे भी देते हो कि ये मेरा मित्र है, बाद में दे ही देगा या मेरा साथ ज़रूर देगा, पर वो बाद में आपका साथ नहीं देता और आप दुखी हो जाते हो, और दुखी हो के ऐसे ही बैठ जाते हो। इसलिए कभी भी दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, विश्वास रखो पर उस इंसान के ऊपर जो जिसको पता है आपके अंदर कमियां है फिर भी आपका साथ देता है, उस इंसान के साथ आपकी जो मदद करता है, जो कि दिखावे के लिए नहीं आपकी सच में मदद करता है, उसके ऊपर विश्वास रखिए। और दूसरों से ज़्यादा खुद पर, जितना आपके खुद पर विश्वास रहेगा उतना आप अच्छी और सच्ची और सही रास्ते पे चलोगे, और आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना किसी के ऊपर निर्भर होके बैठना चाहिए कि ये मेरा मित्र है या मेरा ये परिवार है, ये आगे बढ़ेगा और इसके साथ मैं भी बढ़ूँगा, पर ऐसा आप सोचते हो और वो लोग कमाते हैं, पर आप कब कमाओगे, इसलिए आपको भी खड़ा होने पड़ेगा, आपको भी खुद के पैरों के ऊपर चलना पड़ेगा, दूसरों के काम के ऊपर या दूसरों के ऊपर निर्भर रहना या जीना बिल्कुल सही नहीं है। खुद पर विश्वास और खुद काम करोगे तब आप आगे बढ़ोगे। और कभी भी सफलता चाहिए तो ऐसे बैठ के थोड़ी ना किसको मिलती है, उसको भी तो काम करना पड़ता है और आपको भी करना ही पड़ेगा सफलता चाहिए तो। और कभी भी ज़िंदगी में कभी भी बना बनाया हुआ रास्ता नहीं मिलता अपने सफलता को पाने के लिए, आपको मिल भी गया तो वो बहुत ख़राब होगा, आपको लगेगा ये सही रास्ता है, पहले ही बना बनाया हुआ है, मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ इस रास्ते पे चलना है, और आप क्या, आप तो आंखें बंद करके चलते हो उस रास्ते पे, और चलते चलते आपने तो आंखें बंद करके इस रास्ते के ऊपर विश्वास कर लेते हो, और वो रास्ता आगे कभी टूटा हुआ होता है आपको
आपने तो आंखें बंद किए होते हैं, आपको दिखता ही नहीं, और बस रास्ते से आप नीचे गिर जाते हो। कभी भी दूसरों के रास्ते पे चलना नहीं चाहिए, पूरी दुनिया ही उस रास्ते पे क्यों ना चले, आपको जो सही और जो ईमानदारी का रास्ता है उस पे ही चलना चाहिए। और कभी भी आपकी जो परवाह करता है, आपकी जो चिंता करता है, उसको नज़रअंदाज कभी भी मत किया कीजिएगा। फिर आपको एहसास होगा कि आप पत्थर जमा करते हुए आपको हीरा मिल गया था जो आपने गवा दिया। इसलिए कभी भी अपने अपने परिवार वाले या अपने पराए क्यों ना हो, उनकी कदर कीजिएगा। उनकी आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि ये तो मेरे साथ ही है, इनका नज़रअंदाज करो या ना करो कुछ नहीं होने वाला, पर जब वो आपके ज़िंदगी से चले जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरा इन लोगों की वजह से, इनकी वजह से इतना काम या इतनी चीज़ें सरल हो जाती थी, और वो काम मैं जल्दी कर लेता था सिर्फ इनकी वजह से। इसलिए कभी भी एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्व दो। कोई कैसा भी इंसान हो, आपके कोई ना कोई काम ज़रूर आएगा, कोई ना कोई काम आपके ज़रूर आएगा। कोई भी इंसान हो, वो कोई भी हो सकता है। इसलिए अपने ज़िंदगी में जितने भी इंसान आपसे मिलते हैं या आपके आसपास होते हैं, उनकी कदर कीजिएगा और उनका सम्मान कीजिएगा और उनकी मदद कीजिएगा। जब आपके ऊपर कठिनाइयाँ आएगी, वो भी आपकी मदद करेंगे, या कोई इंसान नहीं भी कर सकते, आप उनकी मदद किए या ना करें, वो आपकी मदद। कुछ कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनकी आप मदद करते हो पर वो आपकी मदद नहीं करते, पर आप ऐसे ऐसे आपको पता चल गया कि आप उन मदद करें या ना करें, वो अपनी मदद करेंगे ही नहीं। और इस विचार को आप अपने दिमाग में रखे हुए किसकी मदद ही नहीं करोगे तो आपकी भी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपको आपको कहाँ पे भी कुछ भी मिल सकता है। जैसे कि पत्थरों के अंदर हीरा मिल सकता है, उसी तरह आप जितने भी लोगों की मदद करोगे वो पत्थर ही हो, पर उसमें से एक हीरा तो ज़रूर निकलेगा जो आपकी मदद करेगा। इसलिए कौन से भी इंसान की मदद ज़रूर कीजिएगा, क्या पता वो आपके आगे बहुत काम आ जाए। और काम आए इसलिए मदद नहीं करनी। आप अच्छे ही रहना, आपको मदद मिले या ना मिले, आपके साथ कोई बुरा करे या ना करे, दूसरों के साथ बिल्कुल भी मत कभी भी बुरा करना। और आपका कोई व्यापार हो या कोई काम, उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से कीजिएगा, तब आप जल्दी सफल होगे। ये बिल्कुल सच है। इसलिए कभी भी आपको दूसरों के बनाए बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलना, और ऐसे ही एरे गेरे के ऊपर विश्वास नहीं करना। अपने जो है, जो आपके लिए जान भी देने के लिए हाजिर है, उनके ऊपर विश्वास कीजिएगा। और कभी भी दूसरों का गंदा या बुरा मत करना, और दूसरों का भी अच्छा सोचना और अच्छा ही करना, तभी आप आगे सफल हो पाओगे। और कभी भी आप रास्ता बनाते हो तो अच्छी तरीके से और अच्छी चीज़ों से और अच्छी और सही तरीके से ही बनाएं, क्योंकि आप जिस तरह और जिस मार्ग पे चलते हुए रास्ता बनाते हो, उसी तरह आपको भी आगे द्वार मिलेगा। आप अच्छी तरीके से, अच्छी पूरी मेहनत करके, ईमानदारी से रास्ता बनाते हो सफलता के द्वार तक पहुंचने के लिए, तो आपको अच्छा और सफलता का ही द्वार मिलेगा। पर आप जब गलत इंसानों से जुड़ के, आप कुछ गलत चीज़ें करके, गलत चीज़ों से रास्ता बनाते हो और आगे चलते हो उस रास्ते पे ही, तो आपको सफलता का नहीं, आपको
गंदा द्वार मिलेगा, बुरा द्वार मिलेगा, वहां पे आप सिर्फ रोते रहोगे। इसलिए कभी भी आपको अच्छा ही रहना है और अच्छी तरीके से ही जीना है और अच्छे लोगों के साथ ही रहना है। और आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने हर एक इंसान के या मेरे जो आसपास रहते हैं या मैंने जिनकी मदद की है उनको मेरे गलत वक्त या कठिन समय में मेरी मदद करनी चाहिए, पर वो मदद के बजाय मेरे को परेशान करते हैं, मेरे को दुख दर्द देते हैं। और दूसरे लोग होते हैं जो कि आपकी आपका साथ नहीं देते और आपको उल्टा परेशान करते हैं, आपकी मदद भी नहीं करते। ऐसे लोग होते हैं जिनके आपने मदद की होती है पर वो आपकी नहीं करते, उल्टा आपको परेशान करते हैं, आपके काम में ध्यान नहीं दे लगाने देते। तो उन लोगों को ऐसा लगता है, वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि आपको बुरा लगता है या आपके लिए वो एक प्रॉब्लम होती है। और उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ या हम सही कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, पर उनको अच्छा लगता है पर आपको बुरा लगता है। वो लोग जो चीज़ करते हैं उनको लगता है कि वो सही चीज़ है और उसके लिए अच्छी चीज़ है, पर वो आपके लिए बुरी चीज़ होती है, ऐसे आप सोचते हो। और ये सारी चीज़ें होती है सोच की वजह से। आप जैसा सोचोगे, आप सोचोगे मैं बहुत सुखमय जी रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशान नहीं करता, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जीवन जी रहा हूँ, पर आप विचार ऐसे भी कर सकते हो कि मैं अच्छी तरीके से जी रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और सभी लोग भी अच्छी हैं, मैं भी अच्छा हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ, ऐसे सोच सकते हो। और इसके साथ ही मैं आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये दुनिया कितनी गंदी है या मेरी मदद नहीं करती या ऐसा वैसा, इसलिए ये सिर्फ होता है सोच की वजह से। आपको वो परेशान करे या कुछ भी करे, आपको सिर्फ नज़रअंदाज और सोच बदलनी है। जब आप सोच बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। जब आप अपनी सोच बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। और आप ऐसे सोचिए कि वो हमारे साथ बुरे करते हैं, असल में वो बुरा करें या अच्छा करे, तो ऐसे सोचिए कि वो अच्छे लोग हैं और हमारी मदद करते हैं और हमारा अच्छा ही सोचते हैं और उनके साथ भी अच्छा ही व्यवहार करें। और वो आपके साथ असल में बुरा करते हैं तो आप ऐसे सोचिए कि वो कुछ बुरा नहीं, उनको लगता है वो अच्छा है पर हमें लगता है वो बुरा है, तो इसमें हमारी खुद की गलती है। ऐसे सोच के उसको छोड़ दीजिएगा, तब आप अपने दूसरे काम पे लग जाइए, उस सोच के बारे में आप सोचना ही बंद कर दीजिए और आप अपने काम पे जितना ध्यान दोगे उस की तरह ही, आप जितना अपने खुद के काम पे ध्यान दोगे उतना ही दूसरे जो विचारों के अंदर या काम के अंदर आपको कम विचार करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप जब एक ही काम के ऊपर पूरा ध्यान लगा के काम करते हो तो पूरी ताकत के साथ काम करते हो तो दूसरा विचार ही आपके दिमाग में आता ही नहीं और उस काम के ऊपर आप काम करते जाते हो। इसलिए आप अभी काम पे काम करते जाइए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और दूसरे इंसानों के साथ भी अच्छे ही व्यवहार करें और अच्छे से ही रहें। और कौन सा गलत इंसान या गलत चीज़ें करता है तो उसको नज़रअंदाज कीजिए और आपको वो परेशान करता है तो उसको भी नज़रअंदाज कीजिए, जिससे आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं अपनी काम की तरफ जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी मोटिवेशन आपको बताया है उसको ज़िंदगी भर याद रखना और अपने ज़िंदगी में ज़रूर उतारना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भरपूर मोटिवेशन के साथ। पर जाने से पहले एक ही बात कहूँगा कि अपने चैनल को
और भी मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी और भी सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।